नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जीवन कुमार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शीतकालीन ऋतु चालू हो चुकी है, उस ऋतु की आप सभी को ढेर सारी बधाई। और ये सर्द कड़ाके की जो सर्दी पड़ती है, इसमें साथियों कई जगह गांवों में शहरों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ये ऋतु बहुत ही दर्द पहुंचाती है। उसका मेन कारण ये होता है कि इस ऋतु में गर्म वस्त्र और गर्म शॉल की अत्यधिक जरूरत रहती है और कई लोग ये चीज खरीद नहीं पाते। और उनके लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत बड़े भोमासा ये काम पूर्ण करते हैं, उनको तहे दिल से बधाई। और बाड़मेर में पत्रकार अशोक सेरा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऐसे लोगों के लिए आगे आके वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को देखने से प्रेरित होके काफ़ी सारे लोग जो सेवा भाव रखने वाले हैं वो आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि ह्यूमैनिटी रक्त सेवा सोसाइटी ग्रुप के सदस्यों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। भाई भुट्टे खान जुनेजा जो समाज सेवी है बहुत ही बड़े, उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और उनके जो ग्रुप के सदस्य हैं मेहरदीन मुबारक और भाई सदाम खान जुनेजा, केसीसी किसान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, इन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और भुट्टे खान जी के युवा साथी जमशेर भाई, मेहरदीन भाई और भी कई युवा साथियों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आगे अशोक सेरा जी के पेज से जुड़े कुछ वीडियो की क्लिपें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने और इससे प्रेरित होकर आप भी किसी की मदद करें। तो ये लोग कुछ कंबल लेके आए देने के लिए, ओढ़ने के लिए, सब फेरने के लिए, सब लेके आए। सर्दी बस दो तीन दिन से सर्दी ज्यादा थी। धन्यवाद। मेरा नाम जमशेर खान है, मैं भाड़का से बिलोंग करता हूँ। दो तीन दिन से बारिश की वजह से, माहौल की वजह से ये सर्द ऋतु बढ़ी है। कल परसों से हमने एक सोशल मीडिया पे भाई अशोक सरा के पेज से वीडियो देखा था कि भी कच्ची बस्तियों में जो रहते हैं उनमें ये ठंड की वजह से वो उनके भी पास में कुछ वस्त्र ओढ़ने पहनने की भारी कमी है। उनको ठंड के लिए, ठंड में बहुत परेशान होते हैं। तो हमारे कई ऐसे युवा साथियों ने मिलकर एक ये प्रण लिया कि भाई अपन को इन गरीब लोगों को ठंड में बचाव अपन क्या कर सकते। तो हमने सबने मिलकर एक कंबल, ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी के सहयोग से एक कंबल वितरण का प्रोग्राम बनाया, जो आज रात को 10 बजे के बाद भी हम ये कच्ची बस्तियों में जो हमारे भाई जो गरीब व्यक्ति लोग रहते हैं उनके लिए हम ये कंबल वितरण के लिए आए हैं। खास करके धन्यवाद अशोक सेरा साहब का कि आपने इस चीज को सोशल मीडिया पे जाहिर किया और उनको पूर्ति के लिए जो भी हमारी ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी के सदस्य भाई मेहरदीन खान, मुबारक खान जी, सद्दाम, अन्य भुट्टा भाई सबने मिलकर जो ये एक अच्छी संदेश दिया कि भाई अपने जो भी बाड़मेर में अगर कोई ठंड की वजह से अगर कोई परेशान हो तो हमसे भी संपर्क करें। अशोक सेरा साहब के पेज से भी अगर कोई हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, अगर कोई कहाँ नहीं पहुंच पाए तो आप मैसेज के जरिए हम बता सकते हैं, हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। फुटपाथ पे और डिवाइडर पे बैठे उन लोगों के लिए भी दिए जा रहे हैं या फिर जी हम यहाँ अभी शास्त्री नगर बांटने हैं, इसके बाद फुटपाथ पे और भी कहीं रेलवे स्टेशन पे अगर कोई राहगीर रात में परेशान हो रहा है तो हम वहाँ तक भी पहुँचने में हमारी पूरी कोशिश करेंगे। रात को कितने बजे तक भी अगर जहाँ कहीं हमारे कोई मिलेगा वहाँ तक हम पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। महमूद खान है, मैं देरासर से बिलोंग करता हूँ। जो अशोक भाई जी ने दो दिन पहले जहाँ बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से यहाँ ठंड ज्यादा पड़ने लग गई थी, अशोक जी ने अपने पेज से यहाँ आकर के वीडियो वायरल किया था। उस वीडियो को देख करके हमारे भामासा, हमारे ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी के अध्यक्ष भुट्टा खान जी की नजर पड़ी। भुट्टा खान जी ने तत्परता दिखाते हुए सभी अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि ये एक अच्छा काम है, नेक काम है। ज्यादा ठंड पड़ रही है जो झुंपड़ी झुंपड़ी में रहने के लिए इनके पास ओढ़ने के लिए ज्यादा कमले नहीं है, कोई वस्तु नहीं ओढ़ने के लिए, इसलिए तत्परता दिखाते हुए सभी से आग्रह किया कि ये नेक काम है, नेक काम से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और सभी से रिक्वेस्ट किया और अपने ग्रुप में मैसेज डाल करके आज ही, आज रात 10 बजे से ऊपर बज चुके हैं, फिर भी अभी रात को हम घूम घूम के यहाँ बांट रहे हैं कमले। और जो भाई किसी को भी अशोक जी के पेज से कोई अगर जानकारी है, अगर किसी को नहीं भी मिल पाते हैं, फुटपाथ पे हैं, अगर भुट्टा भाई से संपर्क कर सकते हैं, अशोक जी सेरा साहब से संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा
हर गरीब के घर तक, ये हर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले के घर सर्दी से बचाव के लिए ये कार्य, नेक कार्य किया जाएगा। मैं एक युवक सोसाइटी ग्रुप हम सब मिलकर चलाते हैं। कल शाम को अशोक खेरा साहब के द्वारा एक लाइव वीडियो चलाया गया जिसमें जरूरतमंद जो फुटपाथ के शौच में लोगों के लिए सर्दी कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने कंबल के लिए व्यवस्था के लिए एक वीडियो बनाया था। तो मैंने सुबह एक हमारा एक ह्यूमैनिटी रक्त सेवा सोसाइटी ग्रुप बना, उसमें मैसेज डाला तो वहां से हमारे ग्रुप में से तीन सदस्यों द्वारा तीन भमासाओं ने बेरदीन मुबारक और सदा महीने आगे आकर कंबल वितरण का एक प्लान बनाया और उन्होंने कंबल के लिए पैसे दिए। तो मैंने और हमारे युवा साथी हम सब ने मिलकर यहाँ कंबल आज वितरण की और मैं सभी महानुभावों से गुजारिश करता हूँ कि इस कड़ाके की ठंड को देखते मद्देनजर रखते हुए आप सब फुटपाथ पे सो रहे जरूरतमंद के लिए आगे आए व गर्म बिस्तर कंबल वगैरह वितरण करें। सबका शुक्रिया, आभार। अशोक जी का खासकर शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो चलाया, उसके जरिए से हम इनके जरूरतमंदों तक पहुंच पाए। शुक्रिया।